देखते ही मुंह में आ जाए पानी खाने वाला अपना हाथ ना रोकने पाए मैं आज आपके लिए ऐसी ही फेमस और स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूं जो स्पेशल होने के साथ साथ बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है जो उसको पहली बार बनाएगा वो भी इसको झटपट से ही बना लेगा तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च में आने वाला मतंजन इस मतंजन को मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ले कर आई हूँ आप भी मेरी रेसिपी को इस तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका मतंजन भी बहुत मज़े का टेस्टी सा बनेगा आप इसको एक बार बनाएंगे तो आपकी आपके घर वाले आपके दीवाने हो जाएंगे तो हो जाए फिर इस अवतार पर या फिर इसी पे खूबसूरत और यमी सा मतंजन बसमिल कैसे हैं आप सब लोग अमीर है सब ठीक ठाक होंगे खुश होंगे और मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से तो आज हम बना रही हैं ईद स्पेशल मतंजन मतंजन जो कि बहुत ही मज़े का लगता है बहुत टेस्टी लगता है हर पार्टी की जान है तो बनाना स्टार्ट करती हैं। मतंजन बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले हमें राइस चाहिए जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए हमारे पास है उसको मैंने दो ग्लास लिया है और उसको भगव दिया है आधा घंटा पहले साथ ही में हमें वन एंड हाफ कप चीनी के चाहिए हाफ कप हमें कुकिंग ऑयल चाहिए कोई सा भी कुकिंग ऑयल आ ले लें साथ ही में हमें चाहिए ड्राई नट्स जो अपनी मर्जी के हिसाब से आप लोग कम या जा ज़्यादा ले सकती हैं साथ ही यहाँ हमें लचियाँ चाहिए तीन से चार अदद ये वाले नट्स मैंने पिस्ते बादाम और किशमिश और कोकोनट लिया है साथ ही में हमें कलर्स चाहिए तीन कलर्स के रेनबो कलर्स चाहिए होंगे तो बनाना स्टार्ट करती हैं आज का यमी टेस्टी ईजी समतंजर लेट्स स्टार्ट इट मतंजर बनाने के लिए अब हम ले ले लेंगे खुली सी देज की यानी कि इस तरह का को कोई सा भी आप पार्ट ले लें चूल्हा मैंने ऑन कर दिया मीडियम फ्लेम के ऊपर अब हम इसके अंदर डाल लेंगे खुला सा पानी यानी कि आम मकदार से थोड़ा दो गुना ज़्यादा पानी आप इसके अंदर डाल लेंगे इस पानी को अब हम करेंगे वार्म इसको बॉयल नहीं करेंगे जब भी कभी आप पुलाओ मतंजन या बिरयानी बनाएं तो पानी को कभी भी बॉयल ना करें उसको बस ऐसे वार्म करें और इसके अंदर अब हम डाल देंगे चावल ऐसा करने से ऐसा होगा कि आपके चावल हैं वो वार्म पानी के अंदर ही फूलेंगे यानी कि लंबे-लंबे से होंगे जी आपके लिए एक टिप है इसको कीजिएगा आपके चावल भी खिले खिले और यमी से बनेंगे अब हमने तमाम चावल जो कि हमने 40 मिनट पहले भुगो के रखे थे अच्छे से इसके अंदर डाल दे रहे हैं अब हमने ऐसा करना है कि चम्मच की हेल्प से इसको हल्का सा ही हलाना जलाना है यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आस्ता इसके अंदर चम्मच हमने चलाना है ताकि हमारे चावल जब टूटे ना अब हमने एक दो बार अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर अप कर देना है इतनी देर तक अब हम करेंगे कवरअप कि हमारे जो चावल हैं वो नाइन्टी नाइन तक परसेंट तक कुक हो जाएं क्योंकि अगर हमारे चावल कच्चे रह गए शीरे के अंदर जाके अब जितनी मर्जी कोशिश कर लें आपके चावल कभी भी नहीं पकेंगे इसके लिए अब हमने ये देखें इस तरह अब हमने नाइन्टी नाइन परसेंट तक अपने चावलों को कुक कर लिया ये देखें वॉर्ड वाटर में डालें की जैसे हमारे जो चावल हैं देखिए कितने खिले खिले और लंबे लंबे से बने हैं अब हमने ऐसा करना है कि इसका तमाम पानी ड्रेन आउट कर लेना है कि तमाम पानी अब हमने इसका निकाल लेना है अच्छे से अब हमने बॉयल किए हुए चावलों में से डेढ़ कप के करीब चावल निकाल लेने हैं इस तरह और इसमें से हमने फूड कलर मिक्स कर देना है डिफरेंट कलर का ग्रीन रेड और येलो इसको एक साइड पे रख लेना है और अब हमने इसी पॉट को यूज़ करते हुए यूज इसकी देचकी को यूज़ करते हुए इसके अंदर अब हमने डाल लेना है क्वार्टर कप के करीब पानी है चूल्हा हमने ऑन कर दिया मीडियम फ्लेम के ऊपर अब हमने इसके अंदर डाल देनी है चीनी चीनी आप अपने हिसाब से कम जो ज़्यादा भी कर सकती हैं ये मैंने दो ग्लास चावल लिए थे तो मैंने वन एंड हाफ़ ग्लास चीनी के लिए हैं साथ ही में अब हमने इसके अंदर डाल देनी है इलायची तोड़ के अब हम इसके अंदर इलायची डाल देंगे अब हमने कर लेना है इसको अच्छे से मिक्स मिक्सअप अब हमने इसको इतना पकाना है कि अच्छे से चीनी इसके अंदर हल हो जाए हमारे यहाँ ग्राइंडर चीनी होती है तो जल्दी हल हो जाती है आपके यहाँ अगर मोड़ती है तो वो थोड़ा सा टाइम लेगी लेकिन आपने क्वार्टर कप से आधा कप के करीब पानी डालना है और चीनी को अच्छे से मिक्स अप कर लेना है जैसे ही चीनी इसके अंदर अच्छे से हल हो जाए तो साथ ही हमने डाल देना है ऑयल आप इसकी जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते ऑयल डालने के साथ ही अब हमने इसके अंदर डाल देनी है चावल जो कि हमने 99 तक परसेंट तक पका के रखे थे इसको बस हमने हल्के हाथ से ही मिक्सअप करना है बहुत ज़्यादा हमने चम्मच नहीं चलाना बस हल्का सा ही इसको शीरे के अंदर मिक्सअप करना है अब हमने इसको इतना पकाना है इतना पकाना है कि इसके अंदर से तमाम पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए बिल्कुल भी चींटिया भी एक पानी का भी इसके अंदर ना रहे ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ इसके अंदर से बिल्कुल पानी जो ड्राई हो चुका है तो अब हमने ऐसा करना है कि इसके अंदर थ्री कलर्स के जो हमने चावल एक साइड पे बना के रखे थे उनको हमने स्टेप बाय स्टेप करके यानी कि वन बाय वन करके ये हमने डाल देना है थ्री कलर्स वाले चावल को रेमबो वाले चावल को साथ ही में अब हमने इसके अंदर डाल देनी है नट्स नट्स आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं जितनी आपके घर में मौजूद हों या इस टाइम आपके पास हों वो उतनी आप यूज़ कर सकती हैं इसमें कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है जितना आपका दिल करता है नट्स आप यूज़ कर सकते हैं तो मैं इसके अंदर अब नट्स डालूंगी नर्स डालने के बाद अब हम इसको करेंगे कवर अप और इसके अंदर जैसे ही स्टीम बन जाएगी अब हम इसको दम पे लगा देंगे एट मिनट के लिए तो एट मिनट के बाद अब हम चेक करते हैं कि हमारे रेनबो चावल लग कैसे रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मजेदार से यमी से रेनबो चावल बन के रेडी हो गई हैं अब मैं इसको अच्छा सा मिक्सअप करती हूँ लेकिन मिक्सअप करने के लिए भी आपको बस हल्के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता से मिक्सअप करना होगा क्योंकि आपके चावल जब टूटने का खतरा होगा देखे कैसे यमी टेस्टी और कलरफुल से चावल बन के रेडी हुए हैं आहिस्ता आहिस्ता से आपने चावल के अंदर चम्मच चलाना है बहुत ज्यादा चम्मच नहीं हमने इस चलाना है टेस्टी और रेम्बो कलर वाले चावल को अब हम करती हैं डिश आउट और आपको दिखाती हैं ये कितने खूबसूरत और यमी से बन के रेडी हुए हैं जी अलहमदिल्ला हमारा खूबसूरत यमी सा मतंजन बन के रेडी हो गया है जो देखने में प्यारा लग रहा है खाने में बेहद टेस्टी और यमी है आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी आप भी इसको स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा इस तरह ही जिस तरह मैंने बनाया है तो आपके मतंजन भी बहुत मज़े का बनेगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मुझे आपके फीडबैक का हमेशा इंतज़ार रहेगा अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के अल्लाह हाफिज़ वाओ यमी टेस्टी मजेदार रेम्बो मतंजन।